जब भी आप कभी ApcScript की डिप्लॉयमेंट वाले लिंक का किसी HTML JavaScript पर यूज़ करते हैं ताकि उसका डेटा HTML पर दिखा सकें, तो आपको उसे एग्जीक्यूट करते समय कुछ इस तरह की एरर आपके कंसोल में दिखाई देती है। एरर होती है कि इस URL को ब्लॉक्ड किया हुआ है CORS पॉलिसी के कारण, या फिर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन वाली एरर आती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको ApcScript की लिंक को से डेटा लाने में अगर कुछ इस तरह की एरर आ रही है तो उसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको इस तरह एरर का प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें केवल मैं हेलो रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ आपका पेज में कुछ भी रिटर्न हो सकता है, आपने जो भी बनाया वैसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने केवल हेलो रिटर्न किया है। और हमने एक हमारे डेस्कटॉप पर एक HTML का पेज बनाया है जिसमें केवल मैंने jQuery ऐड की है और JavaScript में वही लिंक जो हमने अभी मैंने जो आपको ApcScript दिखाया था उसकी डिप्लॉयमेंट वाली लिंक को यहाँ कॉल किया, जिससे वहाँ से जो वैल्यू आएगी यानी जो हेलो रिटर्न होगा वो मुझे यहाँ पर मेरे HTML पेज पर नीचे दिख जाना चाहिए, लेकिन क्रॉस CORS पॉलिसी के कारण वह नहीं दिख रहा है। तो इसका एग्जैक्टली रीज़न क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी किसी ब्राउज़र द्वारा ApcScript को ओपन किया जाता है तो उसे प्रॉपर परमिशन होना चाहिए। यदि उसे परमिशन नहीं होगी तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स वाली मेथड जो होती है वह यहाँ पर उसे अलाउ नहीं करती, और अलाउ नहीं करने के कारण वह पेज यहाँ पर ओपन नहीं होता। तो जब भी कभी आपको इस तरह से आए तो आपको क्या करना है, हमारा जो ApcScript का प्रोजेक्ट है वहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपने जो डिप्लॉय किया था तो वहाँ पर आप एक बार और डिप्लॉय करें। जो भी आपको डिप्लॉयमेंट का नाम देना है और जो भी आपको देना है आप सेट करें। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएं जो किसी और वेबसाइट से आपके पेज को खोलेगा, तो आपको विशेष ध्यान रख के यहाँ पर anyone करना होगा। anyone करके आप जो भी डिप्लॉयमेंट की मेथड यूज़ करते हैं वो आपको वही मेथड यूज़ करना है। इसके बाद जो ये लिंक आएगा आप इसे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आपका जो पेज था जहाँ से हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पर हम इसे बदल देंगे। ऐसा किया, सेव किया, और इसके बाद जब आप इस पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यह एरर जो है यहाँ से जा चुकी होगी, और जो हमने ApcScript से यहाँ से हेलो रिटर्न किया था यह हमें यहाँ पर दिखाई देने लगा। तो आशा है मुझे आपको CORS वाली जो ब्लॉक करने वाली एरर आती है उसका सॉल्यूशन ApcScript में किस तरह से करते हैं वो समझ में आ गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।